मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का। हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। आज हम ऋषिकुंड जाने वाले हैं, मम्मी के साथ जा रहे हैं। तो आप लोग बने रहिए इस ब्लॉग में, बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट होगा। देखिए, जा रहे हैं ऋषिकुंड टेम्पू से। यही टेम्पू से जाएंगे। ऋषिकुंड मुंगेर जिला में पड़ता है, लगभग 60-70 किलोमीटर है ऋषिकुंड। इस ब्लॉग में आपको बहुत एंटरटेनमेंट होगा, तो आप लोग बने। तो गाइस, अभी बलिया हम पहुंच गए हैं। तो यहां से अभी भी 60 किलोमीटर होगा। तो यहां से हम ट्रेन से जाएंगे। देखिए, प्लेटफॉर्म पर है, तो मेरा ट्रेन 2 नंबर पर आएगा, इसलिए हम सीढ़ी चढ़ कर 2 नंबर पर जा रहे हैं। देखिए, मम्मी रे भी जा रही है, मम्मी रे। अब यहाँ से चलते हैं। दोस्तों, अभी मुंगेर पहुँच गए हैं। अभी भी लगभग आधा घंटा से ऊपर लगेगा ऋषिकुंड पहुँचने में। तो आप सब बने रहिए ब्लॉगों में, वहाँ पर जाने के बाद इंटरमेंट आप सबको कराएंगे। आप बने रहिए। गाइस, फाइनली पहुंच गए हैं ऋषिकुंड। देखिए यहाँ का नजारा, कितना अच्छा व्यू है। तो चलते हैं। अब कुछ कुंड यहाँ पर नहाते हैं सब आदमी, तो वहाँ का भी आपको व्यू दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर सब जा रहा है, मम्मी है, नानी है, मौसी है। देखिए पहाड़ भी यहाँ पर, पहाड़ी इलाका में है ऋषिकुंड भाई। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता। दोस्तों, पहुंच गए हैं ऋषिकुंड। यहाँ पर ऋषिकुंड यही है, जो पहाड़ों के बीच में है। फाइनली नहाते हैं, नहा के निकलने के बाद कपाती मिलते हैं। फाइनली दोस्तों, कुंड में नहा के अब जा रहे हैं पहाड़ पे। पूजा भी कर लिए हैं। पहाड़ पर चढ़ने में थोड़ा ऊंचा है और गिट्टी है, देखिए कितना बड़ा बड़ा गिट्टी है, गड़ रहा है पैर में, इसलिए धीरे धीरे चढ़ रहा हूँ। आप लोग बने रहिए ब्लॉक में, पहाड़ पर से आपको व्यू दिखाऊंगा। देखिए, बहुत सा आदमी यहाँ पर भी चढ़ा हुआ है। हम भी जा रहे हैं, कुछ ऊपर जाने के बाद आपको वहां से व्यू दिखाऊंगा। यहाँ से आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ। कैसा लगा ये प्यारा सा ब्लॉग? अब ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा। तो अब ब्लॉग को एंड करके खाना खा के चलते हैं घर। आपको कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट में जरूर बताना। तब के लिए थैंक यू, बाय बाय।